नरेश भाई साहब, हमारे जीवन में योग का क्या लाभ है? योग हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। ये हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स को यानी कि डिटॉक्स करता है। बॉडी से जितने भी विषैले खाने के द्वारा, पानी के द्वारा, हवा के द्वारा, जितने भी विषैले जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, जो कीटाणु, वो इन तीन जैसे कि भोजन, जल और वायु, इन तीनों के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अगर हम योग नहीं करेंगे तो वो हमारे अंदर रहकर बहुत ज़्यादा बीमारियों को बढ़ावा देंगे। और आजकल ये देखने में आया है, युवा पीढ़ी है वो हॉकी की लत को ज्यादा लगी हुई है। तो हॉकी के कोई नुकसान है या कोई फायदे हैं? जैसे पहले बूढ़े बोलते थे हॉकी के तो फायदे होते हैं भाई, बाबा दिन मारे है, तो ये सच्ची बात है कि देखिए अशोक गुरु जी, ये जो हुक्का है, वैसे तो ये स्मोकिंग में ही आता है। इसके नुकसान एक नहीं, बहुत ज़्यादा है। एक बार रोक देखिए, हुक्के की जहाँ बात हो रही है तो ये भी एक स्मोकिंग में ही आता है, जो हमारे लंग्स को प्रभावित करते हैं। प्रदूषण पहले ही बहुत है, ये तो हमारी किस्मत है कि हम गांव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगर शहरों में जाकर देखेंगे तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसे बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। हमारी किस्मत है कि हम गांव में हैं। जहां हमारे बुजुर्गों की बात है, तो बुजुर्ग हमारे जो होते थे, वो फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा होता था उस टाइम। सुबह से लेकर शाम तक की उनकी दिनचर्या इतनी, पहली बात तो वो उठते भी सुबह जल्दी थे। आज की दिनचर्या ये है कि आज के युवा जो कि उठते हैं लगभग, कई तो 9 बजे उठते हैं, चाय पीते हैं, फिर हुक्का पीते हैं सारे दिन। मतलब उनकी दिनचर्या कोई ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी वाली नहीं होती है। उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है हुक्का, जो हमारे जैसे कि लंग्स के लिए हो गया, और भी कई तरह की इसके नुकसान हैं। डिटेल में जानने के लिए इस पर कंप्लीट वीडियो बन सकता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि धूम्रपान हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, हमारे लंग्स के लिए ज़्यादातर। बस यही कहूँगा इस छोटे से शॉर्ट वीडियो में। तो